सड़क दुर्घटना में पिकअप वैन ड्राइवर को सुरक्षित लाने के दौरान ग्रामीणों ने एएसआई की वर्दी फाड़कर बुरी तरह की पिटाई। पिकअप ने मोटरसाइकिल को मारा जोरदार टक्कर, एक की मौत, दो युवकों की स्थिति नाजुक। वायरल वीडियो में पुलिस पर ग्रामीणों ने लगाया गंभीर आरोप, कहा पिकअप वैन को टक्कर मारने वाले ड्राइवर को रुपये लेकर एएसआई शशिकांत ठाकुर ने भगाया। एएसआई को ग्रामीणों ने घेरा, जमकर की मारपीट। चालक को सकुशल भीड़ से निकालना एएसआई को पड़ा महंगा। वर्दी फाड़ जांघिया पर कर की जमकर लोगों ने पिटाई। सदर थाना क्षेत्र के डहुरी गांव निवासी तीन युवक सुबह अपने मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, इसी बीच पिकअप वाहन के चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। दोनों युवकों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर पिकअप वैन ड्राइवर को सकुशल निकालते हुए थाना ले जा रही थी, तभी भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्व के लोग पैसे लेकर पिकअप वाहन को फरार कर देने की अफवाह को फैला दिए। इस अफवाह को सच मानकर ग्रामीणों ने एएसआई शशिकांत ठाकुर सहित सभी पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया और वर्दी फाड़ डाला और जमकर मारपीट कर दी। इसकी जानकारी एसपी को मिलते ही बंधक बनाए गए पुलिस कर्मियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी सहित जिला बल को भेजा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ग्रामीणों को काफी समझाई, पर ग्रामीणों ने बंधक एएसआई को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, उल्टे पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिए। पथराव के जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज कर बंधक पुलिस कर्मियों को मुक्त कराते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में असामाजिक तत्वों को पहचान कर दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात एसपी राकेश रंजन ने कही है। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना प्रभारी के महोदय के द्वारा फोन आया जो पिकअप में एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल से पिकअप मार दिया है, तो उस समय ये पता नहीं था घायल है या स्पॉट है। तो हम तुरंत बिगिन पाँच मिनट में मैं स्पॉट पे पहुंचा। वहाँ टिकट पूछा, रघु जी थे, उनके सहयोग से हम अपने पब्लिक के में देखे गाड़ी नहीं है तो अपना गाड़ी में पहले मैं हम सोचे कि घायल को पहले हॉस्पिटल भिजवाना प्राथमिकता समझे। मैं अपने पुलिस पार्टी को बोला ये दोनों को लेकर तुम हॉस्पिटल जाओ, हम यहाँ रुकते हैं। हम रुके वहाँ और अपने सीनियर को फ़ोन किए, बोले पांडे जी मुंशी को फ़ोन किए, आप 407 भेजिए, बॉडी उठाना है और चौकीदार को भेजिएगा। इसी दौरान भीड़ से हल्ला हुआ, जो ड्राइवर पकड़ा गया है चौड़ा में, पिकअप भी पकड़ा गया है, तो हमको ये लगा जो कहीं उसके साथ मॉबलिंच ना हो जाए। तो हम अपना कर्तव्य को याद करते हुए हम पहले ड्राइवर को बचाने के लिए हम मुखिया जी के मोटरसाइकिल में बैठ के हम वहाँ गए चौड़ा गया। उसके बाद मुखिया जी को हम बोले भी, मुखिया जी गाड़ी को थाना लेके जाते हैं, ड्राइवर को बीच में बैठा है और एक पब्लिक को बैठा है, जो मेरा मोबाइल भी वो पब्लिक के पास ही है, उसको बैठा है। बोले जो चलो, पब्लिक को बोले जो किधर से चलना ठीक रहेगा जी, तो बोला सर उधर से जाएंगे, अभी तो मूवमेंट है, वहाँ डेड बॉडी है, वहाँ कम से कम 150-200 आदमी है, ड्राइवर को छीन लेगा तो सर मार देगा। तो हम बोले दूसरा रास्ता बताओ, तो दूसरा रास्ता बोला जो इधर से चलिए, सिंहपुर होते हुए, लेम खरीक होते हुए हम लोग थाना पहुँच जाएंगे, लेकिन 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो हम गाड़ी अपने ड्राइव करते हुए उसको लेके आए, पब्लिक को लगा जो हम गाड़ी पैसा लेके भगा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप ड्राइवर से सब पूछ सकते हैं। हम ड्राइवर को बचाने का प्रयास किए थे, इस कारण पब्लिक हमको मेरे साथ इस तरह से किया। कोई सर, आज सुबह लगभग 8:30 बजे सदर थाना क्षेत्र के चंगेर गांव में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, एक टेम्पो वाले ने एक बाइक को मार दिया था, एक व्यक्ति के स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई है, एक अन्य घायल है, सदर अस्पताल भेजा गया है उनका इलाज के लिए। इसी क्रम में सदर थाना पुलिस के लोग जब वहां गए थे बीच बचाव करने, लोगों ने ड्राइवर को घेर के रख लिया था, तो उसमें ग्रामीणों और सदर थाना पुलिस के एएसआई के बीच में हाथापाई हुई है। थोड़ा माहौल बिगड़ गया था, परंतु अभी कंट्रोल में है पूर्णतः है। वीडियो और CO भी आए हुए हैं सदर के, और जो मुआवजा है, मुआवजा का जो प्रस्ताव वगैरह है, वो लोगों को समझाया गया है कि आप मुआवजा प्रस्ताव आप भेजें, हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही आप लोगों को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और इस संबंध में एक FIR भी दर्ज करने के लिए हम लोगों ने बोला है, ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। ग्रामीण आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेके जा रहा है, नहीं ये सब बातें नहीं है। सर पथराव में कितने पुलिस कर्मी थे? 3 पुलिस कर्मी भी घायल हैं, तीनों का बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में गया। ग्रामीण भी घायल हैं क्या सर? नहीं, ग्रामीणों का तभी सूचना नहीं, एक व्यक्ति की सूचना मिली है उसे चोट आई है, एक हमारा ASI है जो थोड़ा गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज हम लोग करने के लिए।
लाख रुपये से विभाग के द्वारा जो दिया जाता है वो लाभ मिले, और जो शारीरिक अपंगता जिनको लोग बता रहे हैं कि दोनों पैर उनका डैमेज हो गया है और इस स्थिति में उनको उसका आधा मिलता है, 75.5 लाख रुपये उनको मिलेगा। और उसके अलावा जो गाड़ी का इंश्योरेंस है बीमा का, उसका लाभ मिलेगा। और फिर मृतक के एक बच्ची है जो 5वीं क्लास में पढ़ रही है, उसको हम लोग कस्तूरबा स्कूल में नामांकन के लिए हम लोग बात किए हैं। उनकी पत्नी के नाम से हम लोग विधवा सम्मान पेंशन भी 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग करते हैं। ये सारे लाभ हम लोग दे रहे हैं और तत्काल हम लोग दाह संस्कार के नाम पर 7000 रुपया का हम लोग आर्थिक सहायता दिए ताकि मृतक का दाह संस्कार अच्छे से हो सके। सर, लेकिन जिस तरह से जनता आक्रोश, जो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आक्रोश का कुछ कारण है जिसमें से दोनों पक्षों से कुछ पत्थरबाजी भी हुई है, और उसमें ये तो जांच का विषय है कि किसके तरफ से क्या गलती है, बट इसमें से जैसे ही जांच से पता चलेगा तो नियमानुसार जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन